चलिए बच्चों, ये सातवां राउंड आपके सामने प्रीपोजिशन का है और आप इसके भी फायदे ले सकते हैं। और इसके पहले जो छह सेट्स आपको दिए जा चुके हैं उन्हें निश्चित ही आपने सॉल्व किया होगा और आपने महसूस किया होगा कि प्रीपोजिशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चीजें आपको क्लोज टेस्ट में, कॉमन एरर्स में, सेंटेंस फिलर्स में काम आएंगी। सारे के आंसर्स आप नोट करते जाइएगा और फिर उन्हें मिला लीजिएगा और रैंक तय करिएगा, और फिर उसके बाद सारे एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए हैं उन्हें देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहां से आपको, चलिए फिर आपने कर लिया होगा और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने हैं, आप इन्हें मिला लें। और अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 पाए हैं तो निश्चित ही आप बेस्ट हैं, मीन्स के बी बी कौन बनेगा बेस्ट। और अगर आपने 7 के इर्द गिर्द पाए हैं तो आप बेटर हैं, और अगर आपने 5 पाए हैं तो आप गुड हैं, और अगर आपने इससे भी कम पाए हैं तो आपको तुरंत मन में ले आना होगा कि आपको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और इन सारे क्वेश्चंस के मैंने आगे आपको एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से वो आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशंस आपके सामने हैं और एक एक करके सारे एक्सप्लेनेशंस आपको समझाए जाएंगे ताकि आप उनका पॉजिटिव यूज कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन था आपका,
All of us have profound respect, that's moral values. All of us have profound respect, यानी हम सब के अंदर बहुत अधिक सम्मान है. किस चीज के प्रति? किस चीज के लिए सम्मान है? Moral values के लिए. Moral values के लिए, यानी all of us have profound respect for हो जाएगा for moral values, यानी moral values के लिए हमारे मन में, हम सबके मन में बहुत अधिक सम्मान है. यानी यहां पे जो आंसर हो जाएगा, all of us have profound respect for moral values. दूसरा प्रश्न है आपका, if you kindly bear dash me of some time, यहां for रहेगा, for some time I shall dash the whole issue. चारों ऑप्शंस देखते हैं. if you kindly bear out नहीं हो सकता. bear out means होता है प्रमाणित करना, साबित करना, तो यहां इसका कोई मतलब नहीं है. फिर है इफ यू काइंडली बियर ऑन या बियर अपॉन मींस लागू होना, लागू करना होता है. तो यहां ऐसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि इफ यू काइंडली बियर ऑन मी ऑफ सम टाइम, लागू करने कोई बात ही नहीं है, यानी बी भी नहीं हो सकता है. फिर नेक्स्ट आपका है फार, तो इफ यू काइंडली बियर फार मी फॉर सम टाइम होगा ही नहीं, गलत है ना आपका. यानी आंसर हो जाएगा आपका इफ यू काइंडली बियर विद हो जाएगा आपका. यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा इफ यू काइंडली बियर विद मी हो जाएगा. विद मी क्यों होगा? क्योंकि बियर विद मींस होता है किसी के साथ रहना, उसे सहन करना. तो इफ यू काइंडली बियर विद मी फॉर सम टाइम, यदि आप मेरे साथ कुछ समय के लिए रहते हो, मुझे बियर कर लेते हो, तो आई शैल, और क्लैरिफाई भी देखिए सही यहां पे है, आई शैल क्लैरिफाई द होल इशू. मैं पूरे मुद्दे को आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा, मैं क्लैरिफाई क्लियर कर दूंगा मैं. यानी यहां आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इफ यू काइंडली बियर विद मी फॉर सम टाइम आई शैल क्लैरिफाई द होल इशू. याद कर लें, बियर अपान मीन्स होता है लागू करना या लागू होना. बियर आउट मीन्स होता है कोई चीज साबित होना, प्रमाणित होना या साबित करना. और बियर विद मीन्स होता है किसी के साथ बर्दाश्त करना, उसके साथ रहना. बियर डाउन मीन्स होता है किसी को अपनी ताकत के बल पर कुचल देना. और बियर ऑफ ओ डबल एफ बियर ऑफ मीन्स होता है सफल हो जाना, जीत जाना. ठीक है, तो यहां आपका डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिल्ड्रेन Make a lot of noise, that's so they are playing. अब यहां children make a lot of noise for they are playing, ऐसा कोई sense तो है नहीं आपका यहां पे. Children make a lot of noise during they are playing. आपके मन में आ सकता है during means दौरान होता है, तो फिर during they are playing, जब वो खेल रहे होंगे उसके दौरान. लेकिन आप एक अच्छी चीज जान ले, ठीक है, during एक preposition है और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पूरी क्लास नहीं आ सकती है, क्योंकि प्रीपोजिशन तो केवल नाउन या प्रोनाउन बियर कर सकता है. यानी यहां पूरी क्लास है, देखें दे आर प्लेइंग, तो कभी भी क्लास के पहले आप ड्यूरिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी ड्यूरिंग नहीं हो गया. फिर है वाइल, आप जानते होंगे वाइल एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद हमेशा एक क्लास आती है, और वाइल का भी वही अर्थ होता है जो ड्यूरिंग का होता है. लेकिन ड्यूरिंग यहां हो नहीं सकता था क्योंकि यहां पे एक क्लास थी, तो आपका वाइल हो जाएगा. तो चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज वाइल दे आर प्लेइंग, यानी बच्चे जो है बहुत शोर करते हैं वाइल जिस दौरान दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे होते हैं, यानी खेलने के दौरान बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं, तो फिर यहां पर वाइल हो जाएगा. ठीक है, एक चीज और आप जान सकते हैं, जैसे आप एक समझते होंगे कि अगर आप यहां पर ड्यूरिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस जो दे आर प्लेइंग है इसे नाउन बना सकते हैं. कैसे? चिल्ड्रेन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज ड्यूरिंग देयर प्ले बना ले. अगर आप यहां दे आर प्लेइंग को देयर प्ले बना लेंगे, देयर प्ले क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा, और नाउन फ्रेज के पहले आप ड्यूरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो उस अवस्था में हो सकता है. बाकी अवस्था में चूंकि यहां दे आर प्लेइंग दिया गया है, तो यहां तो आप बदल नहीं सकते हैं, इसलिए यहां आपको क्या लेना होगा? वाइल लेना होगा. तो चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइस वाइल दे आर प्लेइंग, मेरी बात याद रखिएगा, वाइल के बाद हमेशा पूरी क्लास आएगी, और ड्यूरिंग के बाद केवल एक नाउन फ्रेज या प्रोनाउन आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज नेम हैज बिकम अ सिनोनिम डैश
ए विल, अगर आप जानते होंगे इसका अर्थ है, उसका नाम बुराई का पर्याय बन चुका है। सिनोनिम याद होगा, पर्यायवाची होता है, तो उसका नाम जो है वो बुराई का पर्याय बन चुका है। तो ऐसी अवस्था में जब पर्याय के रूप में हम यूज करते हैं तो हम याद कर लें सिनोनिम टू होता है, यानी हिज नेम हैज बिकम अ सिनोनिम टू ए विल हो जाएगा, उसका नाम जो है वो बुराई का पर्याय बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इवन इफ इट रेन्स ऑल डे, भले ही पूरे दिन बारिश हो, आई विल नॉट बी एबल टू पुट, मैं समर्थ नहीं होऊंगा टू पुट डैश माई जर्नी। शायद अर्थ तो आप समझ रहे होंगे कि पूरे दिन बारिश हो भले ही, लेकिन मैं अपनी जर्नी को क्या नहीं कर पाऊंगा, रोक नहीं पाऊंगा, स्थगित नहीं कर पाऊंगा। पुट अवे तो होगा नहीं यहां पे, पुट अवे मीन्स होता है कोई चीज बचा के रखना, अलग रखना, होगा नहीं। पुट आउट भी नहीं होगा, पुट आउट मीन्स बुझाना होता है। पुट बाई भी नहीं होगा, मीन्स फिर वही रखना, बचत करना, क्या हो जाएगा याद करिए, पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित कर देना। तो इवन इफ इट रेन्स ऑल डे, भले ही पूरे दिन बारिश हो, आई विल नॉट बी एबल टू पुट ऑफ माई जर्नी, यानी मैं अपनी यात्रा को स्थगित नहीं कर सकता हूं, तो पुट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर मिस्टर फ्रेड वेंट ऑन स्मोकिंग सिगरेट्स अंटिल द डे ही डाइड। ये मिस्टर फ्रेड जो है ये एक नाम है, वेंट ऑन गो ऑन का सेकेंड फॉर्म है, गो ऑन मीन्स जारी रखना होता है और अंटिल मीन्स तब तक, जब तक होता है। तो डैश द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर, यानी अपने डॉक्टर की एडवाइस के, मिस्टर फ्रेड वेंट ऑन, मिस्टर फ्रेड ने जारी रखा स्मोकिंग, क्या करना जारी रखा, स्मोकिंग करना मीन्स धूम्रपान करना, क्या धूम्रपान करना, सिगरेट्स वगैरह, ठीक है। अंटिल द डे ही डाइड, तब तक वो करते रहे जब तक कि वो मर नहीं गए। डॉक्टर ने क्या सुझाव दिया होगा उनको, डॉक्टर ने यही कहा होगा ना कि आप सिगरेट छोड़ दो, यानी अपने डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद, अपने डॉक्टर के एडवाइस के बावजूद उन्होंने, यानी मिस्टर फ्रेड ने स्मोकिंग सिगरेट जारी रखा, इन स्पाइट, हो सकता था, लेकिन कब पता है, जब इसके बाद आपको ऑफ दिया गया होता तब, तो ऑफ तो है ही नहीं, तो इन स्पाइट द एडवाइस तो कभी नहीं हो सकता, यानी ये मैटर फिनिश आपका हो गया। फिर है डिस्पाइट, याद करिए डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, तो यही तो जरूरत थी आपको यहां पे, यानी यहां जो डिस्पाइट है वो यहां आ जाएगा। डिस्पाइट द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर मिस्टर फ्रेड वेंट ऑन स्मोकिंग सिगरेट्स अंटिल द डे ही डाइड, बिफोर तो होगा नहीं, उसके पहले का कोई मतलब नहीं है, और विद तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो डिस्पाइट यहां पे हो जाएगा डिस्पाइट द एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेपर एयरप्लेन्स, जो कागज के बनी हुई जहाजें होती हैं, रेयरली फ्लाई, शायद ही उड़े वो, डैश मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से ज्यादा, 5 मिनट्स से ज्यादा शायद ही बोल सकते हैं, ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि यहां ऑफ का कोई रिलेशन नहीं यहां पे है। फार लगेगा, क्यों, क्योंकि वो जो एयरप्लेन्स हैं पेपर की, वो 5 मिनट तक या उससे ज्यादा नहीं जुड़ते हैं। सबसे पहली चीज देन 5 मिनट्स दिया गया है समय, दूसरा 5 मिनट तक या उससे ज्यादा, तो आप शायद जानते होंगे फार मीन्स तक भी होता है, तो पेपर एयरप्लेन्स रेयरली फ्लाई फार मोर देन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से ज्यादा तक वो एयरप्लेन जो है वो नहीं उड़ती हैं, तो यहाँ फार हो जाएगा। अबाउट का कोई मतलब नहीं था, अबाउट मोर देन होगा नहीं आपका, और इन मोर देन हो नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, आप याद कर लीजिएगा मेरी बात, कभी भी अगर रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, लायबल है और एंसरेबल है, जिस चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, लायबल या एंसरेबल ठहराया जा रहा है उसके साथ फार लगाए, और जिसके प्रति ठहराया जा रहा है, जिसके प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके साथ टू लगाते हैं, यानी कहीं अगर रिस्पॉन्सिबल है तो आप जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल टू हिम हो जाएगा, और जिस एक्शन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल फार हो जाएगा। यहां एक्शन दिया गया है ना, यू कैन नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, किस चीज के लिए, उसके एक्शंस के लिए, यानी एक्शन दिया गया, यहां क्या हो जाएगा, फार, आसान है ना, जाएगा यू कैन नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर
his actions. Second last question है आपका, let us sit dash the table and sort out our differences. चलो इस मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं और अपने differences को, जो मतभेद है, उन्हें sort out करते हैं, दूर करते हैं. ठीक है, तो यहां अगर हम at लेंगे आप तो हो जाएगा let us sit at the table. चलो मेज पे बैठते हैं भाई, मेज पे बैठ के क्या आप differences sort out करेंगे आप. चलो let us sit around the table, हो जाएगा ना, टेबल के अराउंड बैठते हैं, उसके चारों तरफ बैठते हैं, हो सकता है. लेट अस सिट अबाउट द टेबल, कभी होगा कभी नहीं. लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल, चलो मेज के इस तरफ से उस तरफ तक बैठते हैं, नहीं होगा. यानी यहां क्या हो जाएगा कि लेट अस सिट अराउंड द टेबल हो जाएगा, लेट अस सिट अराउंड द टेबल एंड सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस हो जाएगा. और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, He is blind dash his right eye. जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं मैं उनसे कहता हूं ये तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके काम आएगा. देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी एक आंख से अंधा है, मींस काना है, तो इसका मतलब है आप वहां इन और ऑफ दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, प्रेफरेंस आपको ऑफ को देनी होगी. लेकिन यदि आपको ये दे दिया जाए कि वह दाहिनी आंख से या बाईं आंख से अंधा है, तो फिर आपको वहां पर क्या लगाना होगा, इन का ही प्रयोग करना होगा, न कि ऑफ का प्रयोग करना होगा. और अगर वो दोनों आंखों से अंधा है तो फिर विद का प्रयोग करना होता है. और अगर वो अपनी गलतियों के प्रति अंधा है, अनदेखा करता है, तो आपको ब्लाइंड टू का प्रयोग करना होता है. फिर से याद करें, किसी भी एक आंख से अंधा होना इन या ऑफ, दाहिनी या बाई आंख से अंधा होना क्या हो जाएगा, इन, दोनों आंखों से अंधा होना विद, और अगर कोई गलतियों के प्रति अंधा है तो टू. तो यहां देखिए दिया गया है ना आपको हिज राइट आई, यानी बताया गया है राइट आई या लेफ्ट आई है. तो मैंने कहा जब राइट आई या लेफ्ट आई दिया गया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन होगा आपका इन, यानी ही इज ब्लाइंड इन हिज राइट आई, यानी वो दाहिनी आंख से अंधा है, तो यहां इन हो जाएगा. ठीक है, और अब सारे जो क्वेश्चन थे आपके एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लीजिए क्या हो गया आपका और इन्हें तैयार करते जाइएगा. ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर, हो जाएगा फॉर मॉरल वैल्यूज. इफ यू काइंडली बियर मी आप सम टाइम, तो बियर विद मी फॉर सम टाइम, आई शैल क्लैरिफाई द होल इशू. चिल्ड्रेन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हाइल दे आर प्लेइंग, जिस दौरान वो खेल रहे होते हैं, चूंकि पूरी फेज क्लास है तो यहां व्हाइल लिया आपने, नहीं तो ड्यूरिंग होता. His name has become a synonym to evil. बुराई का पर्याय बन जाना, तो synonym to evil. Even if it rains all day, भले सारे दिन बारिश हो, I will not be able to put off, would भले अफ put off my journey. Put off means अस्थगित कर देना, कोई मीटिंग वगैरह होती है उसे put off कर देते हैं. Despite the advice of his doctor, यानी अपने डॉक्टर के एडवाइस के बावजूद, Mr. Fred went on smoking cigarettes, so his cigarettes पीते रहे वो, until the day he died, जब तक कि वो मर नहीं गए. पेपर एयरप्लेन्स रेयरली फ्लाई फॉर मोर देन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से ज्यादा तक वो पेपर एयरप्लेन्स नहीं उड़ती हैं, तो फार मोर देन हो जाएगा. यू कैन नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस, यानी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, एंसरेबल, इन सब के साथ आप क्या लगाएं, लायबल के साथ भी फार का प्रयोग करें एक्शन के लिए, और जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो टू का प्रयोग करें. Let us sit around the table हो जाएगा and sort out our differences. और last है he is blind in his right eye, अपनी दाहिनी आंख में अंधा है, मींस अंधा है, तो यहां right eye की वजह से blind in हो जाएगा. चलिए और आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें. और बच्चों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अन लोगों तक पहुंचे, अन लोगों को पता चले. और क्योंकि जल्दी ही बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं जिनमें प्रीपोजिशंस, कॉमन एरर्स, एमबी बुक की सॉल्विंग जो मैं करा रहा हूं, ये सारी चीजें जल्दी मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स से संबंधित क्विज देने वाला हूं जो बहुत काम आएगी. और उसके बाद आपको शब्दों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं मीनिंग्स के, वो भी मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूं. इन सारी चीजों के लिए आपका सहयोग जो है वो अपेक्षित है, और मैं आशा ही विश्वास करूंगा कि आप ये चीजें शेयर करते रहें, बताते रहें लोगों को, ताकि अधिक से अधिक ये चीजें पहुंचे उन तक, ताकि उनका उन्हें फायदा मिले और आप खुद अपनी इन चीजों को तैयार करते जाएं. थैंक यू वेरी मच.